दिवाली से पहले हम बहुत सी जगह के ब्लैक स्पॉट खत्म कर देंगे, मैं पूरी तरह से आप लोगों से ये वादा करती हूँ। हमने शिलान्यास किया है, यहाँ 1 किलोमीटर सड़क है, 14 फुट चौड़ी है, जो यहाँ से हमारे काफी गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी शहर से टूट गई थी। टाइम से, बहुत सालों से ये नज़रअंदाज हुई सड़क आज नगर परिषद ने इसका शिलान्यास कर दिया है और बहुत ही जल्द ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। अभी अभी बहुत से विकास कार्य कैथल के लिए पेंडिंग है, हमें समय ही नहीं मिल पा रहा कि हम बहुत से विकास कार्यों के लिए रुके हुए हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम धीरे धीरे वन बाय वन करके सभी का उद्घाटन करते जाएंगे। दिवाली से पहले बहुत सी सौगातें हैं कि जो कैथल को मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने कैथल शहर के लिए जो अंधेरे ब्लैक स्पॉट की जो समस्या थी उसको दूर कर दिया है। 2000 लाइटें हमारी नगर परिषद में आ चुकी है और कल से ही उसको लगवाने का काम कर दिया जाएगा। इतनी दूर से आप देखो आप जैसे बारिश होगी तो ये इतना इतना पानी होता है यहाँ पे, कई बार तो हमें पानी में निकलना पड़ता है और कई बार तो हम अंदर ही रहते हैं, दो दो तीन तीन दिन लेकिन ये सबसे ज्यादा तो हमारे राम प्रसाद जी और हमारे बच्चे तो इतने परेशान हो, छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं कब तक रुकेंगे ऐसे, स्कूल में भी नहीं जा पाते जी कहीं गए। नहीं नहीं कोई नहीं, हम पब्लिक से बात करेंगे, इनको पानी की पाइप होगी, इसको अप्रूव कराएंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम। चित कोशिश में जी जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने शिलान्यास किया है, यहाँ 1 किलोमीटर सड़क है, 14 फुट चौड़ी है, जो यहाँ से हमारे काफ़ी गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी शहर से टूट गई थी, उन्हें एक बहुत लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता था जिससे बहुत से लोग आने से कतराते थे। पर ये बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये नज़रअंदाज हुई सड़क आज नगर परिषद ने इसका शिलान्यास कर दिया है और बहुत ही जल्द ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी। कैथल में ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पहली बार रोड बनने जा रहे हैं, तो और कौन कौन से विकास कार्य आने वाले समय में? अभी अभी बहुत से विकास कार्य कैथल के लिए पेंडिंग है, हमें समय ही नहीं मिल पा रहा कि हम बहुत से विकास कार्यों के लिए रुके हुए हैं। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम धीरे धीरे वन बाय वन करके सभी का उद्घाटन करते जाएंगे। दिवाली से पहले कौन सी सौगात मिल सकती है? दिवाली से पहले बहुत सी सौगातें हैं कि जो कैथल को मिलती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने कैथल शहर के लिए जो अंधेरे ब्लैक स्पॉट की जो समस्या थी उसको दूर कर दिया है। 2000 लाइटें हमारी नगर परिषद में आ चुकी है और कल से ही उसको लगवाने का काम कर दिया जाएगा। दिवाली से पहले हम बहुत सी जगह के ब्लैक स्पॉट खत्म कर देंगे, मैं पूरी तरह से आप लोगों से ये वादा करती हूँ। कुछ पार्षदों के द्वारा कचरा कलेक्शन मामले में घोटाला बताया जा रहा है, अगर घोटाला मिलता है तो सुरभि सरकार का क्या एक्शन रहेगा? जी बिल्कुल, ये बात मुझे किसी ने वर्बली बताई है, मुझे सुनने में आई है कि डोर टू डोर में ऐसा कुछ घोटाला हो रहा है। हमने उसी समय ये जैसे ही हमें पता चला हमने उसी समय जाँच कमेटी बना दी है और उसकी जाँच कमेटी आदेश दे दिए गए हैं, जहाँ भी कोई भी भ्रष्टाचार होगा उसको उसकी कड़े से कड़ी निगरानी की जाएगी और उसका जो भी भ्रष्टाचार हमें निकला, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसकी सजा निश्चित है।